आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मालिक खुश रहा, सारा काम हो गई। मालिक राम प्रसाद के घर में ना धन बाचल और ना ही केहू भोगे वाला बाचल। साबाश भीमा, आज के जमाना में धन बल से बहुबल आवेला। जी मालिक। केहू दूसरे धन के ताकत से जी पूरे गांव जमार में कोई बहुबली ना बन सके पाई। ये ले भीमा। जी मालिक। तो सब लोग आपस में बांट लो और चुपचाप यहां से निकल जा। प्रणाम मालिक। खुश रहा। प्रणाम। प्रणाम। निकला जल्दी। प्रणाम। जल्दी करा। चला चला, जल्दी गाड़ी में बैठा। गांव में इतना बड़ा घटना घट जाता और क्यों के कुछ होने के पता। कमाल बा मुखिया जी, वो जवाब नहीं की दे। अब रुआ के हम का जवाब दी इंस्पेक्टर साहब? ये गांव में आज तक इस चड्डी गैंग के कोनो भी घटना के बारे में केहू के पता बा? सबका होरलबा दरोगा जी, राम प्रसाद का पूरा परिवार खत्म हो गई। का गुना रही इन लोगन के? का ये हम समझी के पुलिस चड्डी गैंग के सामने हथियार डाल सरेंडर हो गई? रेवा घबराई मत ठाकुर साहब, अभी केस के जांच पड़ताल अब हम खुद करब। रहल बात ये चड्डी गिरोह के काम है या कोई और के, ये बहुत जल्दी हम पता लगा ले। ये पहला कांड ना है दरोगा, हर कांड के बाद पुलिस का यह जवाब होला और बाद में मामला टाई टाई फिश। लेकिन बात ऐसे ही रहल तो हमके बात ऊपर के करे के पड़ी। रो चिंता मत करी ठाकुर साहब, वो कोई भी होके आप कानून के हाथ से नहीं बच सकत। अगर यह हाल रहल तो धीरे धीरे सारा गांव खाली हो जाई। कब ले की दहशत में जिंदगी जी, अपने धन सुरक्षित बा न जान। तू चिंता जन कर वीरेंद्र, इस संसार में हर समस्या के समाधान होला। आई मुसीबत से बचावे खातिर भी भगवान केहू ना केहू के जरूर भेजियो। बिना
आ गई ले। प्रणाम कुंदन भैया, वो कहा कि पेट्रोल भरावे में तनी देर हो गई। कौनो बात ना, एक बात बताओ लगनू, कहा तुहार ब्याह भइल कि ना? अरे कहा भैया, हर साल लगन में उम्मीद जागेला ओकरी बा टाइट टाइट फीस। अरे भाई तहार नाम लगनू बा, तहार लगन नहीं खे होत। एक काम कर जी, ते अपन नाम बदल ले जी, लगनू से तलाकू रख ले। तलाकू? हाँ तलाकू। भैया रहुआ कहीं हमार मजाक तो नहीं उड़ावा? चल पीछे बैठ, गाड़ी में सामान रख। हाँ चल। तू सही कहला वीरेंद्र, लेकिन हमहू के उसे कम थोड़े बानी। लेकिन एक बात और किशन भैया, लड़की वाला कितना भी बड़हन काहे न होखे, लड़का वाला के सामने शर्त झुका के रखे के पड़ी। मुखिया जी चाय ले। हाँ वीरेंद्र बाबू, बात तो सही कहनी रहुआ, लेकिन चिंता मत करी लोग। वैसे कुंदन के ब्याह में रहुआ दोनों भाई के भी सिर ऊंचा रही। वैसे किशन बाबू, भूख लागल बा। कुंदन बाबू कब आ बता रहे? रोजी भैया जयराम जी की। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार भैया। प्रणाम। अरे भैया प्रणाम। चाची नमस्ते। अरे प्रणाम प्रणाम, आ गई ला। नमस्ते भैया। बबुआ लगनू जल्दी से सामान उतारो। वाह, वर्दी में जता तरन। आओ आओ। बाबूजी प्रणाम। जी अत्रा, सफर कैसे रहा? एकदम बढ़िया। मुखिया जी प्रणाम। खुश रहो चाचा। नमस्ते। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बेटा, सफर में कोई परेशानी तो ना भइल? ना ना। प्रणाम। अब तनी सबसे मिलनी। हां मिल। हां जा जा, तू दोनों छुप जा, हम बुलाइब तो आई हजार। ओके ठीक बा, वी आर रेडी। माय नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रही बेटा। ज्यादा आते जिन तारा अम्मा ना तारा भैया के भाव बढ़ जाई। भैया। अरे पाई लगो भैया। कैसन भी हमार बहिन? एकदम अच्छा, लेकिन तोहर याद बहुत आवत रहे। अब ना आई। काहे? अब वो करियावा के आई जोनस तो ब्याह होता। वो करिया नहीं कन भैया। अभी से ही हाल बा। अच्छा भैया, बीजे और कार्तिक भैया कहाँ बाड़न? कहा कहीं, वो दोनों के भी बहुत मन रहे आवे के, लेकिन वो लोग के स्पेशल ड्यूटी लग गई। का झूठ मत बोला। कासी झूठ रही, तू तो चुप रहा। अरे अरे सुन ना, हम खुद जाके देखा। नहीं की बोला जल्दी करो। विजय भैया स्काई बोला वाला गुआ के यहाँ तो क्यों नहीं खे पागल? राधा हम कहानी है ना। ओ दोनों के स्पेशल ड्यूटी। हमरे ब्याह से कोनो स्पेशल ड्यूटी ना हो सकेला, उन दोनों के बिना हम ब्याह ना करब। कुंदन बेटा कोनो रास्ता निकाला देखा? राधा बिटिया तो अपन फैसला सुना दो। हाँ कुछ ना कुछ तो कर ही के पड़ी, राधा के ब्याह जरूरी बा। हेलो विजय भैया, कार्तिक भैया। हम भी आ गए। आ गए भैया। राधा। हाँ भैया के ना छोड़म, रुका हमसे झूठ कर। रुका तू कहाँ जा रहा है? शुरू हो गए तो था। एकर ब्याह भइला के बाद घर आंगन सब सुना हो जाए। जी चाचा जी देखो। अरे लगनू बाजार से सामान लाए। छोड़ो मेट बानू। अच्छा अरे कुंदन, ए कुंदन। हाँ वो देख राधा मुर्गा पकड़ बिया, ओकर बिया बा और मुर्गा पकड़ बिया। अरे काम आई, बिया के पहले मुर्गा ना पकड़ा जला का? अरे बुद्धू हाथ तो टूट गए ना, तो हो गए लोकर बिया। रोको क्रके हम जाए। हाँ तू जा, जा। इसे सीधा सीधा बोल ना। ए ए छोड़ बयाना दिया गई। हाँ भैया ओकर के बयाना दे दल बनी हम तनी नीचे आवन। आव तनी। थैंक यू भैया, ऐसे हम हूँ पकड़ लेती। हाँ ठीक बा, शेरू बचपन से कर जान बा। हमरा के माफ कर दे शेरू, ताके बहुत परेशान करनी ना। तू आज हमरा के दौड़ा देला, कल से हम तके ना परेशान करब। काहे से कि ई घर से हम जात आनी शेरू। ए राधा सुन, हमनी के तोरा खाती गिफ्ट लाइल बनी जा, चला जा। अरे हाँ हम तो बुला गए रहनी। बाय शेरू, चला चला चला।
तनी मंगरू ठाकुर के बुला ले तनी जल्दी। दिखाओ भैया। ये देख, ये विजय भैया के तरफ से। वाह। कार्तिक भैया के तरफ से। अरे वाह। और ये हमारा तरफ से। पसंद ना आइल का तोरा? का भइल राधा? हम भैया ना करब भैया, तोहनी लोग से दूर ना जाए। अरे पागल, ऐसे ना कहल जाला। कोनो भी भाई अपने बहन के, कोनो माई बाप अपने औलाद के दूर कल चाहेला ना, लेकिन ये दुनिया के रीत है। लेकिन ये भावे के तपड़वे करी। ऐसा रीत कहाँ है बनल भैया? ऐसे की दुनिया में औरत से ज्यादा शक्तिशाली केहू ना होला। ये औरत के ही बस में बाकी हूँ, एक साथ दो परिवार, ससुरार और मैं के संभाले ले। अभी आंसू बचा के रख विदाई खातिर। हाँ ये बताओ, गिफ्ट कैसा लागल? बहुत अच्छा और प्यारा भैया, लेकिन। लेकिन का? अब कुछ और चाहिए तो बोल। भाभी। हाँ भैया, हमरे गैला के बाद माँ अकेले हो जाई हन, घर सुना हो जाई, एही बदे। अच्छा ठीक बा, पहले तोर अच्छे से विदाई तो कर दी। हाँ हमार प्यारी बहनी बिरंदर। हाँ भैया। साटा बयाना सब तो तारा मालूम है बा, उस सारा इंतजाम देख लियो। जी भैया। कुंदन। हाँ बाबूजी। बेटा, बारात के स्वागत, द्वार पूजा और खान पान के इंतजाम खातिर कुछ आदमी चाहिए, भरोसा आला। अब आप चिंता मत करी, हमनी के सब देख ले जा। उहो फौजी तरीका से हर काम फटाफट और सॉलिड। एक फौजी दस के बराबर होला चाचा जी। बस बस, अब ज्यादा होता। फटाफट अपन काम करो सर, आओ जा। हाँ तो किशन बाबू, ये लोग के देख के लगवे ना करला कि रुआ एक बेटा बा, तीनों बेटे लगे। एकदम ठीक कहनी मुखिया जी। अच्छा सुनो ना वीरेंद्र। हाँ भैया। उम स्कार टोला ला खेतवा तनी कोड़वा दियो, ठीक बा? जी भैया। ताकि बारात वरात के झंझट बा, उमे कहीं खेतवा बाकी न रह जाए, ठीक बा? ये देख तमाई। हाँ, बहुत सुंदर बाबूजी। सब हो गिल बा और बारात के स्वागत के भी सारा इंतजाम हो गिल बा। बहुत अच्छा बेटा। बाकी रहल राधा के गाना वगैरह तो वह सब हो गल बा। वीरेंद्र जी भी सब गाना संभाल कर रख दो। हाँ भैया। हाँ, आप सब जनी जल्दी से खाना खा के सो जा, सब मेरे बहुत काम बा। ठीक बा? ठीक बा माई। बहुत ही बहादुरी और जिम्मेदारी के काम के लिए बनी जा। गांव के हर एक नागरिक यही तरह अपन कर्तव्य समझ के अपन जिम्मेदारी निभाई, अपराधी अपराध करे से पहले हजार बार सोची। जी हमनी के काम ना होता रोगा जी, एकर असली हीरो है वो फौजी,
जवन बॉर्डर पर रह के पूरा देश का रक्षा करेला और आज ये गांव में रह के पूरा गांव वाला का रक्षा की लेबा। अरे भाई हमू तो जाने वो दिलेर फौजी है कौन जो पुलिस से भी बड़ा काम कैला सा। हम है ठाकुर साहब कुंदन। वो हमार बेटा ठाकुर साहब। वाह किशन सिंह वाह शाबाश कुंदन। जवन काम पुलिस इतने साल में नहीं कर सकेला आज तू एक रात में कर देला। ऐसा नहीं है ठाकुर साहब। पुलिस से पहले हर आदमी अपने घर परिवार और समाज के रक्षक होला। ये हक सबके बा कि अगर के होकरे घर परिवार पर बुरा नजर रखे तो ओकर आंख निकाल ले। मिस्टर कुंदन तारी कर्तव्य खातिर हमार सैल्यूट करे के दिल कर था। गुड़िया के बर्तन सब इन्हें रखा सब साफ कर। चल अरे बरात आवे वाला बात। अरे वो कुर्सियां कितनी होने लगा वो। हाँ हाँ हुआ एक एक रखा हाँ हुआ। चल चल सामान लेके आओ सजावट। चल फुल अरे लगनू के संभाल के लगनू संभाल के। चल चल रख लगा गुड़िया उन्हें रखा जल्दी कर। हाँ अरे वो लेके आओ कुंदन। हाँ बाबूजी कुंदन आओ तनी कुर्सी ठीक से रखो। और तन दूल्हा के चाचा जी को फोन करके पूछो कहाँ ले बरात पहुँचो। हाँ भैया। अरे वो हजाम को फोन कहला। हाँ चाचा भैया फोन कहली। हाँ वो होते कहाँ ले पहुँचा का बात बा। 1200 बराती के खाए के इंतजाम हो गए। जल्दी आ जाइए। बहुत बराती 1200 बराती होते हैं। जाके खाना वाला जी भैया। सुना हाँ बेटा सब हो गए खाना के तैयारी ना। एकदम ठीक हो बा। कानून चिंता करने की जरूरत ना बा। बारात अले के टाइम हो गए। तनी हम अहू के बोले दे चाचा। ए हजाम के बोलाओ बे बाइक से उठा के लाओ। जमुना में जैसे की पनिया वैसे की तोहरो सुहाग हो। अरे गाओ सॉन्ग। गंगा जमुना में जैसे की पनिया वैसे की तोहरो सुहाग हो। अरे चले के चले के देर होता तोर पूजा लगल बा। तनी सुन ला तनी सुन ला तनी सुन ला पर रात साले तब जाई हा। तनी सुन ला तोहर अखिया पर सूखल अनार जाई सन तोहर मुछिया फाकत हा के पार जाई सन। तनी सुन ला तोहर बहिना त रखली दस दस गो यार। तनी सुन ला बिना उड़नी के घूमले पर हज बाजार। तनी सुन ला Thank you.
कहाँ चल गई? अरे बाप रे, विदाई का टाइम हो गई। बाबुल तोरे घर के छोड़ी ली चिरैया आंगनैया रोवे हो। बाबुल तोरे घर के छोड़ी ली चिरैया आंगनैया रोवे हो। रोई रोई करे माई बेटी के भी दैया आंगन वांग नैया रोवे हो। अब के अचार अकेले आंग नैया रोई हो। भगवान हमरे बहन के हमेशा खुश रखी। सब के राधा के याद आवत था। उदास मत हो कुंदन, यह दुआ करा कि वो बस अपना ससुराल में खुश रहे। हाँ कुंदन, संभाला अपना आपके। हाँ कुंदन, राधा के गईला के बाद ई घर के रौनक चल गए। बाकी बेटा बेटी पराया धन हो खेले, जोन बचपन से घर के रौनक हो खेले ना, वो बड़ा हो करके दूसरा के घर के शोभा बन जाले। चला तार बाबूजी बुलावता रहे, चला। आज बियाह के बारे में कुंदन से पूछ ले। लहाई गेलन। ओ अच्छा। जी बाबूजी। बेटा तारा से कुछ जरूरी बात करे के बा। जी। देखा ना तार बहिन जब से ही घर से विदा होके गई बिया, घर के रौनक चल गई बा, पूरा घर वीरान लगा था। बिहान परसों तू हो बॉर्डर पर चल जाइबा, तो तार चाचा चाची हमने के मिल के विचार करनी है जा कि तार बियाह के बाद चलाओ जाओ। इतना जल्दी हम बिया ना करो बाबूजी। कुंदन, अरे अरे बेटा बात तो सुना। कुंदन, तनी समझाई इनके। देख लू कितना जिद्दी बा, तनी जाके समझाओ। बेटा विजय। जी चाची। बेटा कार्तिक। जी। कुंदन तू लोगन के बहुत बढ़िया दोस्त बा। बेटा ओकरा के शादी कर दिन मनावा, कैसे भी करके ओकरा के राजी करा। हाँ, ठीक बा। ठीक बा। ठीक। एका कुंदन, पापा के बात के बुरा मान गए लखा, उनके फर्ज बा समझावल। आज ना तो कल शादी करबा ना, करबा कि ना करबा? हाँ भाई करबा कि ना। हाँ अगर ही पायल वाली मिल जाए तो हम अब्बे शादी खातिर तैयार बानी। पक्का? हाँ पक्का, सच्चा पक्का ना। जो पापा के भी बोल दिए। चला कर दे। बेटी के विदाई के बाद सोचनी है कि बबुआ ब्याह कर लेतन तो बहू के रूप में घर में बेटी आ जाए, घर में रौनक आ जाए। लेकिन इनका के समझाओ। ली का कहे भैया, कुछ समझ में नहीं आता। तनी तोनिये के समझाओ। लेकिन खुशखबरी बा, खुशखबरी हम सबनी के खातिर। खुशखबरी? हाँ। अरे चाचा जी पहले मुंह तो मीठा करी। अरे लेकिन पहले बताइबा कौन बात। चाचा जी पहले खाई तो। अरे खुल के बताई कौने बात को खुशखबरी बा। कुंदन महाराज ब्याह खातिर तैयार हो गए बारन। हाँ चाचा जी। हाँ। सच्ची?
रहो बैठल का बानी अरविंद भाई साहब के फोन लगाई ना, बोली ना जल्दी से तैयारी करे। ओकर जरूरत नहीं खे चाची, कुंदन अपना खतर लड़की पसंद कर ले ले बा। जी बस पता चलते ही बता दे। ये लोग का बोले तारन, हमरा के कुछ समझ में नहीं खे आवत। अरे खोल के बताई बाबा। रहुआ लोग हमने के दो दिन दे दे। दो दिन सब समझ में आ जाए। कुछ समझ में नहीं आता। तो ठीक बा, हम दहनी तोनी के दो दिन में मना लूं करके। बहुत है बात चाचा जी, चला 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 हमने के चल के ढूंढल जाओ। हाँ चला। मालिक मालिक, लगन हमार नाम है, लगन कुंदन भैया के होता है, हमार बेहुआ का भाई मालिक। जा तू हो कर लो। कर ले, ठीक बा मालिक, लेकिन वो लेके की केकरा से करी मालिक, केकरा से। पहले एक कप लेके जा, काम करा अपन। गधा कहीं के। हमरा तो ये दोनों बेटवन के बात समझ नहीं आई। एक पायल वाली लड़की हाँ। मिल गई, चल चल चला। जल्दी चल उगाईली। हाँ चला। संस्कार बा, भाभी हो तो ऐसा। हाँ बिल्कुल। होखे वाली भाभी के ई घर बा, अब पकल जाई। भाभी मिशन पूरा हो गई। हाँ। तो फटाक से जा। हाँ। कुंदन के बुला के लेके। हाँ। तवले हाँ। हम भाभी के पहरादारी करत। हाँ ठीक बा। हाँ। कुंदन के भरोसा भी ना होई कि हमनी के इतना जल्दी मिशन भाभी पूरा कर लेनी। कुंदन कुंदन बाहर आवा। जरूरी बात बा। का बात है? भाभी मिशन कंप्लीट। सही। हाँ, हाँ? चला चल चल जल्दी चल। का भागम दौड़ी चलता है कि नहीं? ये लोग कहाँ भागते हैं? अरे आप आप केले बाड़ी वहाँ कमरा के भीतर बाड़ी। कुंदन जा और अपन नई जिंदगी की शुरुआत कर। जय हो। सही कहल गई बा, भगवान के घर में देर बा लेकिन अंधेर नहीं खे। जा 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 जा। मजा आ गई। कुंदन के टेंशन खत्म। अरे हमारे राजा, जे दिन से तू तो कहीं आई बड़ा, ए दिन बस आवाज किसने आवाज तोरा पे लगा। पहली मुलाकात है तो मैं तूफानी बा। हम को बोल खा के आदत नहीं कर। कुंदन को मुसीबत में तो लिखे। अरे
के हा। आहा, राजा अरे छोड़ा कुंदन भैया भाग रे मिशन फेल। अच्छा खासा मूड बनल रहल ऊपर पानी फिर के चल गेल देख लेब। अब लग्न के बियाह हो के रही का कमर बा। ऐसे ज्यादा अब हम ना ढूंढ, एक बार थप्पड़ पड़ गई बा अब और ना। कार्तिक हर लड़की वो ना हो सकेले। उफ, फिर से मिशन फेल। तो कैसन भी है यार, बोल ना यार। फिर से पायल वो अब का बताई, उगर होटता ऐसन बा जैसे गुलाब के पंखुड़ी आपस में बतियात होके। आँख ऐसन जैसे कोनो शांत झील में चांद उतर आई लोके, ओकर बाल जैसे सावन में लहरात काली घटा। मन करे कर तो से सारी सारी रतिया, मन करे कर तो से सारी 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 सारी, मन करे करे तो से सारी सारी रतिया बतिया हो। तीन दिन से मरा ले बमतिया हो तुहरी सुरतिया, तीन दिन से मरा ले बमतिया हो तुहरी सुरतिया। तुहरा के देखला के बाद जननी कैसन प्यार होला, प्यार होला, प्यार होला। हाँ तुहरा के देखला के बाद जननी कैसन प्यार होला, गजबे उमंग आवे देहिया में जब दीदार होला। मीठा मीठा कहो तू बड़ू ए दरदिया छतिया हो, तीन दिन से मरा ले बमतिया हो तुहरी सुरतिया, तीन दिन से मरा ले बमतिया हो तुहरी सुरतिया। सुतलता दूर देखी जगले में तुहर सपना, सपना, सपना। सुतलता दूर देखी जगले में तुहर सपना, बन गई बाड़ू हमार दिलावा के कलापना। दूर दले बन लेबे में ही करबटिया खटिया हो, तीन दिन से मरा ले बमतिया हो तुहरी सुरतिया, तीन दिन से मरा ले बमतिया हो तुहरी सुरतिया। वाह, इतना ध्यान से अगर हमनी के कोना लड़की के देखल जाई तो जूता ही मिली
वो भी अलग अलग नंबर के और वह तो हर थप्पड़ से कड़क। मतलब हमार बटालियन फेल? नहीं, पर अब तारा के खुद ही चले के पड़ी। कहाँ? वही जा जहाँ गांव के हर एक लड़की दिन में एक बार जरूर आवेले मंदिर। चल चला। हमके लगा था वो कौन और गांव के लड़की रहे। चला भगवाने के हाथ में बा। जा कुंदन, भगवान की शरण में जा। अगर वो चाहियन तो सावन की घटा ऐसा लहराई कि गुलाब की पंखड़ी की तरह चांद सीधा जमीन पर उतर कर आई। हे प्रभु। आरतीला बेटी। जी बेटी, सब दिन एक जैसा ना होखेला। भगवान अपन भक्त के पुकार जरूर सुनेलन, पर तू भगवान पर अपन भरोसा और अपन आत्मविश्वास पे कभी कमी ना होके दिया बेटी। भगवान कभो न कभो कौनो रूप में तोर सहायता के लिए जरूर आ जाइए। जी पंडित जी। हमके आपसे कुछ जरूरी बात करेंगे बा। अब हमके गलत मत समझा, हमार नाम कुंदन है, इंडियन आर्मी में बानी और किशन सिंह के लड़का आई। तो के हवा का करेला, उसे हमरा के का मतलब? वो कहा कि हम तोहके अपने बहन के ब्याह में देखले रानी। जब से तोहके देखली तब से तोहरे बारे में सोचा था नहीं। सोते जगते समय तोहरे चेहरा सामने आवत रहा था, तब से तोहके बहुत खोजनी। आज बहुत मुश्किल से तोहके बोले बानी। काहे? हमके तोह से प्यार हो गइल बा और बियाह करे के चाहता नहीं। बियाह? हाँ बियाह। पागल हो गेल बाड़ा का? तू का जाने ला हमरा बारे में? कुछ ना, और जाने की जरूरत भी नहीं की। जरूरत बा, पहले जाके पता करा हमरा बारे में। पता करा समर सिंह की बेटी नंदनी के बारे में। नंदनी के है ओकर अति का है, और ये सब जनला के बाद भी जोन कॉन्फिडेंस से हमरा से बियाह करे आयल बाड़ा। अगर उहे कॉन्फिडेंस आके हमरा से बियाह के बात करबा तो हम तहरा से बियाह करब। का कहना तू समर सिंह की बेटी नंदनी से? हाँ माई नंदनी, का कमी बा ओकरा में? कमी? वो ऐसन ग्रहण बा जेकर साया भी केहू के जिंदगी बर्बाद कर देला। ऐसन का खराबी बा ओकरा में? हम काहे ना उसे भी आ कर सकेनी। खबरदार, जो दोबारा ओकर नाम भी ले लता तो कुछ हो नहीं खजाना। लेकिन हम जाने के चाहता नहीं। कुंदन, हम बताता नहीं। ना वीरेंद्र, तो कुछ ना बताइबा। लेकिन पापा। कुंदन बेटा, तू भी यहाँ करे के ना चाहता लनु तो ठीक बा, हमरा मंजूर बा। वीरेंद्र, इनकर जाए के व्यवस्था कराओ। जी भैया। का समझ में लिखा होती सब का होता। हर केहू नंदनी के नाम लेवे से मना करा था और केहू बतावत भी नहीं के। देखा बेटा, जोन बात ना हो सकेला ना ओकरा बारे में बात करके कोनो फायदा नहीं के। तू ओकरा के भूल जा। दीदी, हाँ?
कसे जी रहुआ हमरा के बहुत सुंदर लागे नी एकदम चांद के जैसन साचो मुचो अब का बताई हम खुशी जी हम जब जब रहुआ के देखे नी तो हमरा के आवे लागेला हिचकी सच में मुचो के कहना कि हम रहुआ खाते बड़ा मन से पूड़ी आप भुजिया बनाए ले बानी रहुआ खाए अपना कैसन बा बहुत बढ़िया बड़ा सुंदर बाड़ू पेट भर गयलो आवा तू पहले अपन हिचकी संभालो बाकी हम सब संभाल ले अब जा यहां से जा कुंदन प्यार में बहुत ताकत वाला तो हिम्मत मत हारिया देखा कुंदन कोनो ना कोनो बात जरूर है वो भी इतना गंभीर कोई भी बारे में बात नहीं कह चाहत घर वाला बेवजह ऐसा बात ना कहियन वो वजह ही तो हम जानल चाहता नहीं आखिर बात का बा वो कोनो पहली ना ही हकुंदन ना कोनो ग्रहण अरे ग्रहण तो वो बिचारी की अपना जिंदगी में लाग गई ला समझ ला कि नंदिनी एक ताजा हवा के झोंका रहे पूरा गांव वालन के चहेती सबके लाडली एकदम चंचल स्वभाव के जोरी कबो ना करना जबर जोरा जोरी कबो ना करना
चाची पल्ले जोरी अब ना करना जी चाची पल्ले जोरी अब ना करना जब पल्ले जोरा जोरी अब ना करना जी सुनते हैं नया है जमाना जी जा जनी शर्माना जनी शर्माना जनी शर्माना नया है जमाना जी जा जनी शर्माना जनी शर्माना निहारी के हाथ पांव आप भी दबाना आप भी दबाना छोटे छोटे बात न लड़ना जी जा जी पल्ले जोरी अब ना करना जी जा जी पल्ले जोरी कबो न करना जब रे जोरा जोरी कबो न करना रुक जा नंदिनी रुक जा नंदिनी रुक जा बहुत अच्छा नाचेलू नंदिनी तू बहुत खूबसूरत बालू नंदिनी और हमले से तो टाटी हुई नंदिनी टाटी हुई ना नंदिनी रंजीत विट्स नंदिनी अच्छा बना अच्छा बना छोड़ हमरा हाथ छोड़ दे हमार शादी तोरे से हुई चल हट तोहार हिम्मत कैसे भईली बात कह के घर में जाके पहले शीशा में अपन चेहरा देखा चेहरा चेहरा दादा भाई चेहरा कुछ नहीं ना भैया चेहरा ना शक्ल ना अकल आधा पागल से हम शादी कर हम पागल नहीं हम पागल नहीं हम पागल नहीं नंदिनी हम पागल नहीं नंदिनी वो पागल नहीं हम पागल नहीं भैया भैया हम पागल नहीं हम पागल नहीं नंदिनी चले जैसे भैया मेरे पास भैया पागल नहीं भैया रघु पागल नहीं भैया ये लेके पागल नहीं भैया यार दोनों हम क्या पागल नहीं हम पागल नहीं वो पागल नहीं हम पागल नहीं हमार भी आए तोरे सोई नंदिनी हमार भी आए तोरे सोई नंदिनी हमार भी आए तोरे सोई नंदिनी हम पागल ना ही नंदिनी हम पागल ना ही हमार भी आए तोरे सोई नंदिनी हमार भी आए तोरे सोई नंदिनी हम ना किया नंदिनी के बिना हम भी लल्ला हमार किया नंदिनी के बिना हम पागल नहीं बा हम पागल नहीं बा हम पागल नहीं बा हम पागल नहीं बा हम पागल लिखे हाँ लल्ला हाँ उदय जी भैया आज कौन सा तूफान आ गई भैया भैया जेकर असर हमरे हवेली के अंदर तक आ गई भैया भैया आज बोल बोल लल्ला के बेइज्जती भइल बा भैया बेइज्जती भइल बा हां भैया हमार लल्ला के बेइज्जती भइल बा हां ना भाई ना भाई हां हो गई लल्ला का लल्ला भैया वो हमार जान है भैया भैया हमार शादी अपना से काला हम बहुत चाहे ली भैया बोल लल्ला का भइल लल्ला के बोल लल्ला का भइल लल्ला भैया बोल लल्ला शांत हो जा लल्ला शांत हो जा ना लल्ला तोरा के मालूम बा ना तोरे आग का आहरा सु हमरे आग के शोला बन जाला और उसमें ना जाने कितने लोग जल के राख हो जाला तू चुप हो जा चुप हो जा लल्ला चुप हो जा नेवला जी भैया हमरे लल्ला के आँख में आंसू लावे के कारण क्या है भैया आज एक प्रोग्राम में एको लड़की भैया की बेइज्जती कैलेस कौन है वो लड़की चौधरी समर सिंह की लड़की नंदिनी वो बहुत खूबसूरत बा भैया वो हमार जान बा भैया अच्छा हमार ओकरा से बियाह करा दे भैया हमार ओकरा से बियाह करा दे भैया इता बहुत ही खुशी का बात बा हमरे लल्ला के भगवान के कृपा से कोनो लेकी पसंद आ गई लल्ला भैया भैया हमार जी रहुआ ब्याह की तैयारी करी नेवला जी भैया सगुन की तैयारी करा कल सवेरे ही समर सिंह के यहाँ हमार लल्ला के सगुन लेके चले के पड़ी जी भैया सगुन भैया भैया हमार शादी हुई तो लल्ला का ब्याह हुई वाह भैया हाँ लल्ला हाँ लल्ला हम दूल्हा बने भैया 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 हमार शादी हुई ना भैया हाँ लल्ला हाँ हाँ शादी हुई दिलवाले दुल्हनिया ले आएंगे दिलवाले जल्दी कुछ कबरी लाई हाँ कबरी हमार लल्ला का सगुन देखे आवता नहीं हाँ
अच्छा भाई हमने के तोरे नैहरे आगे ले जा। ये घर है। अच्छा चला अंदर चला। भैया भैया आ गए इंजन नंदिनी के घर। हाँ लल्ला नमस्कार समर सिंह। नमस्कार ठाकुर देवराज। हाँ समर सिंह देवराज खुद चल के तोरे यहाँ एलबा। बहुत खुश नसीब बाड़ा तू। कौनो कौनो खास वजह से? बिना खास वजह से हम कहीं नहीं जाएला। ये बात पूरा गांव जवार जानेला समर सिंह। आज तोरे खातिर एक बहुत बड़ी खुश खबरी बा। हम तोरा के समधी बनावे आएल बानी। हाँ समधी। हाँ समधी। असल में हमार लल्ला तोहार बेटी के पसंद कर ले लबा। बस ये सुनते ही हम सगुन लेकर आ गए बानी। चला सगुन का थाली तर रखा। हाँ बबुआ। हाँ बबुआ। हाँ समर सिंह आप जल्दी से पंडित से ब्याह की तारीख निकाल के तू लोग शादी की तैयारी करा। ये ब्याह ना हो सकेला देवराज सिंह। हम अपनी बेटी की ब्याह तय कर चुकल बानी। क्या फर्क पड़ेगा समर सिंह जब उन लोगन को हमरे बारे में पता चली वो खुद ही भाग जाए। ना ना हो सकेला ना हो सकेला। देवराज के ना पसंद नहीं है समर सिंह। हम तो आर नसीब बनावे अलमानी। ऐसन कुछ मत करिए कि बनल बनावल नसीब बद नसीब में बदल जाए। समझला हमार लल्ला जौन हमार जान बा जौन तुहार बेटी के पसंद कर ले बा। सगुन छोड़ के जाता नहीं। जल्दी बारात लेकर आई जल्दी। चल लल्ला। रुक जा देवराज ठाकुर। रुक जा देवराज ठाकुर। ठाकुर 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 ठाकुर। नंदनी कौनो तोहर जागीर नहीं खे। हम अपना मर्जी के मालिक खुद बानी। ये नंदनी है। जवाब तो सुन लेनी ना ठाकुर साहब। पूरे गांव जवार में देवराज के जवाब देवे के केहू के औकात नहीं के लगी। और पूरा दुनिया में हमार दिल के मालिक हमरे अलावा केहू नहीं खे। और हमका तहत पागल भाई पसंद नहीं खे। ये लगी अपन जबान पे लगाम दे। ये तो हम अपने लल्ला के प्यार के खातिर यहाँ चली आई नहीं। वरना वरना हमनी के घर पे आल इंसान के धक्का मार के ना भगाईला। वरना वरना ना भैया ना भैया ना भैया ना ना भैया ना ना ये हमारी जान में भैया हमें घर से प्यार कर ले भैया। छोड़ भैया भैया नन्हनी हमारे जान है। अच्छा अल्लाह अच्छा अल्लाह ये लड़की तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। छोड़ के हम मार दे भैया। लल्ला नन्हनी मार दे भैया। अपने सगुन के सवाल ये खाली पागल ना बहुत बड़ा लेके जा भैया। जल्दी निकल जा जा निकल भैया। लल्ला नन्हनी भैया नहीं 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 नही
बेटे शांत शांत हो जाए। जोन लड़की तोहार नहीं भई वो अब केहू के नहीं हुई, केहू के नहीं। भले ही तोहरे जीते जी वो तोहार सुहागन नहीं बनल, तोहरे मरने के बाद अब वो जिंदगी भर तोहार विधवा बनकर रही। विधवा 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 ही तो अच्छे और भयानक भविष्य के कहानी लिखी। हमारा लल्ला जकरे वजह से ये दुनिया छोड़कर चल गई, उन सबको हम कैसे छोड़ सकेली?
देखने लगी अपनी आंख से देख ले एक भूल का अंजाम लेकिन हम तोर के छोड़ब वैसे दिल तो कह रहा था कि तोर के अपने लल्ला के पास भेज दई लल्ला के पास लेकिन ना तू हमार लल्ला के अमानत है जीते जी होकर ना भैली मरने के बाद ही सही तू होकर विधवा बनकर जीवी सुन ले गांव के लोगन ये भी एक मदद करी ओकर पूरा खानदान के यही असर हुई समझ ली दीदी समझ ला गांव वालों दीदी छोड़ा मैं छोड़ा 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 सुन लड़की सुन तू गांव छोड़ के भाग न सके एके हम तोर भाई के साथ लेके जाता नहीं देख रहे कि तू जान से ज्यादा प्यार कर ले समझ ले गांव वालों समझ ले सब पता चल गया हमार कहानी कहीं सब चलना के बाद भी तू हमरा से ब्याह के हिम्मत कर पा देख लेनी ना पंडित जी देवराज जोन हमार दुर्भाग्य के कहानी लिख देले बा ओकरा के भगवान भी ना बदल सकेलन ऐसा कोनो बात नहीं के बेटी भगवान पर भरोसा रखा भगवान बहुत जल्द तोर सारा मनोकामना पूरा करिए इला प्रसाद ला नाम पंडित जी यात्रा देवराज ऐसन हमरे दुर्भाग्य की कहानी लिख देलस कि ओकरा डर से पूरा गांव वाला ना ही बात करेला और ना ही नजर मिलावेला अकेली विधवा के जिंदगी जीते जीते थक गईल बानी हमार कुवर देवराज के कब्जा में ना रही तो हम अपन जान दे देती बस लग दो बस बस सब चीजें एक चम्मच रखा मैं बस माई हाँ हम काल ना जाए काहे का भाई कुछ ना दो दिन बाद होली बा दो दिन बाद चल जाए लेकिन तू तो बेटा आ बेटा खाना खा ला अभी ना खाए एकरा मन में का चलता खुशी लगनू खुशी अब बस करा हाय देखा हम तहरा खाते बहुत जतन से खीर बना के ले आइल है ला खाई तोहरा कितना चिंता रहेला लगनु हमरा खातिर ई गांव के सबसे अच्छा आदमी तू ही लगेला हमरा हटा
कौन है रे? कौन है? अपनी लुगाइयों, चाचा और चचाओं, अपने अपने बाल बच्चों के साथ घर से बाहर आ जाएं और फगुआ का आनंद उठाएं। आप सभी को कुर्ता फाड़ होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे तनी सूर में बजावा यार। सारा रा 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 होली जे ना खुल के खेली खोल के सुन ला कान। अरे होली जे ना खुल के खेली खोल के सुन ला कान। आप बिना टिकट के भेजल जाई यो के पाकिस्तान। बोलो सारा रा 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 बोल चुकी रा सारा रा रा। भगवा के दिन होबे कदय हज फेरी, भगवा के दिन होबे कदय हज फेरी, चोलिया में अपना रंग लगावे दाना। होली में देव रवो सन के पद भौजी भजावे दाना। होली में देव रवो सन के पद भौजी भजावे दाना। भौजी हो गलिया बकोरे हो, रंगवा लगावे दतोरे हो। भौजी हो गलिया बकोरे हो, रंगवा लगावे दतोरे हो। जीत जानी ज्यादा करो, पहले एक वादा करो, गल नाही मलबा जोर से, गल नाही मलबा जोर से। ए हो भैया के रानी, गौकरिया खत बनी, तनी कोन मलब जोर से, तनिको न मलब जोर से। ओढ़ के अचरा कर जनी कचरा, बजा अपन हम कनिया वे दाना। होली में देवर वो सन के पद भौजी भजा वे दाना। होली में देवर वो सन के पद भौजी भजा वे दाना। कबही से चढ़ल बाल राजा नजरिया पो, कबही से चढ़ल बाल राजा नजरिया पो। हथवा लगा दहतनी, हथवा लगा दहतनी, हमरो कमरिया पो। हथवा लगा दहतनी, हमरो कमरिया पो, हथवा लगा दहतनी। पहनी के साड़ी तू नवका हो, मारे ऊपर जावा पे छावका हो। पहनी के साड़ी तू नवका हो, मारे ऊपर जावा पे छावका हो। केहू आज मोबाइल डाली, सुनी उतनी मन काली, फेसियल करवले बानी हो, फेसियल करवले बानी हो। देवर संस्कारी हई, भौजिया के अपकारी हई, बिना रंगले मन न मानी हो, बिना रंगले मन न मानी हो। हवे गुलाल में नहीं खे बबाल हो, लीला दे पखाली तू छुआवे ये दाना। होली में देवर वो सन के पद भौजी भजावे दाना। होली में देवर वो सन के पद भौजी भजावे दाना। हे
सांस बन के खास एगो दे गईलू हमर दिल हमर जान तू तले गईलू हमर दिल हमर जान तू तले गईलू का भाई काहे इतना गुस्सा करतानी का कैला से ऊ का करतलस जोन बात के हमरा डर रहे हुए करतलस साफ साफ बताओ भैया बात का कैलस कुंदन नाम के बारूद में चिंगारी डाले के काम के लिए अब एक अंजाम का हुए इस धोनी के अच्छे से जाना डर लगे हमरा यह अनोनी का डर है वैसे हम ओकरा के ड्यूटी पर भेजत रानी लेकिन तू ओकरा के ममता में आकर रोक ले जो हमरा लागल कि बस दो चार दिन के बाद बा दो चार अरे पागल तूफान आवे खातिर तू पल काफी होला तार लाडला जो कहले बानू ओकर अंजाम कुछ भी हो सके वीरेंद्र बाबू रहुआ जाए कुंदन के लेके ए जा जाए जा वीरेंद्र जल्दी जा जी भैया छोटी दीदी कुंदन के सामान पैक कर दिल जाए चलो लगनू हाँ तुम मंदिर देने देखा हम बाजार देने देखा हाँ ठीक कुंदन कुंदन भैया जल्दी घर चले बाबूजी बुलाओ तेरे बड़ा गुस्सा में पानी बाबूजी क्या बड़ा गुस्सा में पानी बाबूजी रवा को बुलाओ तुम्हारे बैठा सन सब लोग जल्दी बैठा कि आज तू जोन हरकत कैले बाड़ा ओकर अंजाम का हुई ई समय ई सब बात करके ना भैया ना वीरेंद्र एकराई नेखे मालूम कि एकरी हरकत के सजा एकरा साथे साथे हमनी के पूरा परिवार के भुगते के पड़ी सजा गुनाह के वाला बाबूजी हम कोनो गुनाह नहीं की कैले रे पागल रे ते समझत काहे नहीं के रे गुनाह तोरा नजर में नहीं के लेकिन उते उराज के वीरेंद्र बाबू जितना जल्दी हो सके एकरा कहीं जैसे रवाना कहीं एकरा के रोक के एक गलती अब कही चुकल पानी अब नई की चाहत की बात आगे बढ़े लाख देवराज आगे Thank you.
का भइल रे? सब के सब भैर हो गए बाड़सन करे। ए फौजी सुनात नहीं खे करे, मर्द का बच्चा हवे तो बाहर आओ। साला तू जानत नहीं खे तू का कहिए बाड़े? नंदनी हमरे लल्ला के अमानत है, विधवा हो ओकर, और ते हमार लल्ला के विधवा पर रंग डाले के गुना करे बाड़े। एकर सजा मिले तोरे के फौजी, सजा मिली। चल भारा। कुंदन रुक जा, रुक जा। ना, नहीं कुंदन, तू बाहर नहीं जाइए। ये नेवला। जी भैया। यहाँ तो पूरा सन्नाटा बारे, कोनो बाहर नहीं के आवत। सुन ले रैनी की दुश्मन के ललकार, ना तो कोनो फौजी सुन सकेला, ना ही कोनो ठाकुर। लागत बा के किशन सिंह के खून में कोनो मिलावट बा, वरना एक थे ठाकुर और ऊपर से फौजी, इतना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेला। बाहर निकल ठाकुर, दम्बा तो बाहर निकल। कुंदन, कुंदन, रुक जा। ये फौजी कुंदन नाम हो न तोर। छलकुद हो गई तो देवराज के सामने हर गर्दन झुकल रहेला, जौन तनेला वो धर से अलग हो जाला। देवराज हाँ छोड़ दो हमरा बेटा, हम तेरे सामने हाथ छोड़ दे, छोड़ दो हमरा बेटा, छोड़ देती तोरा बेटे के, हम छोड़ देती जैसे ही हमार लल्ला के विधवा पे लाल रंग से रंगले, वैसे हम इनके शरीर के मोर 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 के लाल कर दे, ऐसे ही के आसान मौत देवे के रहते, एक एक ही गोली से मार देती। कुंदन कुंदन ला राजो, मालूम नहीं के कि हम आपके भाई की अमानत है, आपकी नजर में अपराधी हो, लेकिन हकीकत में इनका से गलती हो गई बा। अगर इस सब जानने के बाद भी यहाँ से ना गए तो इनका अपराध होगी, एक मौका दे दे इनके रूप में। हमरा बहू पहले बार हमरे से कुछ मांग ले भैया, इनकार के सवाल ही पैदा नहीं किए। ये हमारे गांव जवार से अगर 24 घंटे के अंदर ना गई तर इकर मौत निश्चित बा, समझ ली? चला रे, चला 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 चला। कुंदन बेटा, बेटा बेटा, कमला बेटा, अरे
बिल्कुल पानी ले आओ कुंदन 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 बस देख लेने तुहार अन्याय समझ में आ गई कि ये कलयुग में देवराज जैसे राक्षस में तुहार कोनो बस नहीं के ये धरती पर पापियन के राज रही और तू अपना मंदिर में बैठ के देखत रहा सब कुछ चुपचाप देखत रहा कुंदन के देख के लागल कि एक कुहारी विधवा के अंधेरा भरल जिंदगी में वो रोशनी ला सकेला यही से उम्मीद बंधल लेकिन वो उम्मीद भी टूट गई ऐसा कोनो बात नहीं की बेटी कभी कभी इंसान के कुछ समय खातिर चारों ओर के रास्ता बंद हो जाला ओकरा हर तरफ अंधेरा अंधेरा ही नजर आवेला लेकिन भगवान उनकर अंधेरा जिंदगी में रोशनी के ऐसन किरण डाल देवेलन जौन सारा अंधेरा उकर छांट लेवेला हमरा भगवान पे पूरा भरोसा बा तू हो भरोसा रखा बेटी सब ठीक हो जाई अपन भरोसा मत टूटे दिहा सब ठीक हो जाई टाइम हो गया बा ट्रेन छूट जाए बेटा जल्दी चलो Thank you.
तू अपन ना समझलू नहीं तू बुझलू ना हो झील के ताना दर दिया हाल कब पूछलू ना हो हाँ। हमके तू अपन ना समझलू नहीं तू बुझलू ना हो झील के ताना दर दिया हाल कब पूछलू ना हो यार दिलदार तू सारा सिंगार तू प्यार जताई बोला कैसे तू ता भैला हम जीने के जहान जी अब बोला कैसे अब ता हो गईला दिल के मेहमान जी अब खुशी हम तहरा से एगो बात कहल चाहत बानी बोला लगनू हम तहरा से लगन करल चाहत बानी अरे हिचकियाँ खत्म हो गई अब हम पूरा गांव वाला के बताएं सब सरवा बहुत चिढ़ावत रहे हमरा के ए लग्न तोहर लगन कब होई ए लग्न तोहर लगन कब होई अब हम लगन करके पूरा गांव वालन के दिखा दे कि लगनू के भी लगन हो सकेला हम बने तुम बने एक दूजे के लिए आई कम फ्रॉम माय क्यूसी आई कम फ्रॉम माय क्यूसी दीदी संभाला अपने आप के सब ठीक हो जाए ली आई गनी भाई साहब जी भाभी कुंदर के ठीक से गाड़ी में बैठा दे लिया ना जहाँ भाभी ठीक से बैठा दे लिया बैठी ना बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो गया अब कुछ दिन में कुंदन सब कुछ भुला जाए और फिर हमने सही समय देख करके ओकर ब्याह कह दिया जाए जी तू वापस आ गई ने हाँ माई काहे काहे तोरा के इज्जत के हालात देखी मालूम अरे तेरे बाबूजी के मालूम पड़े तो गजब हो जाए पुता
शाबाश बेटा, आज तू साबित कर दला कि तू ठाकुर किशन सिंह का बेटा होगा, असली ठाकुर होगा तू और सच्चा फौजी। इका का था निरवा, हम उहे कहता नहीं जौन तू सुन रहा भाड़ू। हमरा अपन बेटा पे गर्व बा, आई उहे करे जा रहा बा जौन हमरा एकरा से उम्मीद बा। लेकिन भैया वीरेंद्र, तू सच्चा ठाकुर है गो फौजी, कबो मैदान छोड़ के ना भागेला। कुंदन बेटा, देवराज के पाप के घड़ा पर चुकल बा, हम तोरा से कह रहल बानी जा, हमरा होखे वाला बहू के लेके आओ और देवराज के पाप के घड़ा फोड़ के आओ। हमारा आशीर्वाद तेरा साले बा। यह ना कि कुंदन पागल हो गिल बा। हाँ हम पागल हैं, लेकिन तोहनी के तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे के चाहिए। एगो गुंडा के तू लोग भागी विधाता बनोले बड़ा जा, तोहनी के सामने एगो लड़की के परिवार बर्बाद हो गई। कहां से तोहनी के ओके सजा देवे के चाहिए, तो ओकरा सामने गर्दन झुकोले बड़ा जा। अरे सब देखला के बाद तो हमके शर्म आवत कि हमार जन्म यही गांव में भइल बा। कुंदन बाबू रुआ देख चुकल बानी कि देवराज कितना खतरनाक आदमी बा। हाँ भैया, बहुत खतरनाक बा। खतरनाक ऊ नहीं, तोहनी के मन में बैठ गइल बा ओकर डर। हमके देख, अरे हमके देख, उसे डरा के भाग ना गई नी, ओके खत्म करे खाती वापस आ गई नी। उठा उठा उठा, जागा जागा, और खड़ा हो चलोगा अत्याचार के खिलाफ के खिलाफ के खिलाफ। कौनो बात ना, मुर्दा के जिंदगी तो हनिये के मुबारक होखे कि हुसा दे या ना दे, लेकिन ई कुंदन ओ देवराज के अंत करके रहा। देवराज आगे पीछे हटा सर, नंदिनी का कह रहे लेते याद बाना, अगर ये फौजी ये गांव से ना गई तो रवा मार दे। यहाँ तो कानी ही उल्टा लागता, एकर शिकार तो तू खुद ही कर ले। का सोच ले नंदिनी, एकरा के हथियार बना के बदला लेवे हमरा से, ये तो बेवकूफ है। लेकिन तोहरा के तो मालूम रहे ना कि देवराज का चीज है। खैर,
आज मजा आई, बहुत मजा आई। हाँ ना फौजी, कान खोल कर सुन लो गांव जवार के लोगन, कोई भी यहाँ से ना जाए। ये नेवला। हाँ भैया। भाई के लिए आखिरे। जी भैया। दीदी हम आ गए। दीदी ये दोनों भाई बहन की कहानी भी आज खत्म। नसीब अच्छा बाकी भाग गई ले, नहीं तो यही मंदिर के सामने, यही चौराहा पे, यही सब गांव वालन के बीच तो के जमीन में जिंदा गाड़ देती। आज आप लोगन से वादा बा हमार, आज के बाद कौनो देवराज आप लोगन के ऊपर आंख उठा के ना देखी, हमारे नंदरी के ना देखी, कहे कि आज से फौजी है गांव के रक्षा करी, फौजी गांव के रक्षा करी। आज बड़ा अच्छा लगा था, काहे कि आज तक देवराज के आतंक और अत्याचार के हमने सब सिर झुका के सहत रहनी चाहिए, लेकिन कुंदन के हिम्मत के नतीजा हमने के देख चुकनी। तो हमरा कहे के मतलब कि अब से कोनो भी अत्याचार और मुसीबत के सामना हमने सब मिल के कहल जाई। हम सब रहुआ साथ बानी। बड़ा शांत बैठल बाड़ा, का भइल देवराज? निकल गेल सारी हेकड़ी, ढीला हो गेल सारा अकड़, पूरा गांव जवार के जिंदगी जिए वाला जोवन खुद के यहाँ के बेताज बादशाह समझत रहे, एक थे मामूली सा लड़का जमीन सुखा दिलेस। चुप चुप हो जा कावेरी। आतंक के बादशाह के चेहरे पर आतंक का कहत रहला तू? तोहार केहू कुछ ना बिगाड़ पाई। अरे वो फौजी तो तुहार गुरूर तोड़ दिलस। भैया पूरा गांव ना मिलके कुंदन और नंदिनी के ब्याह करे जात बाड़न। अब का करबो देवराज, जॉन नंदिनी के तू अपने लल्ला की विधवा बना के अत्याचार कैला, वो नया जिंदगी शुरू करे जात बिया, समझला? अब तू का करबा? देवराज के रहते ऐसा कुछ नहीं हुई। हम शेर हैं और शेर ही रहम। अब उस फौजी के जिंदगी में वो जलजला आई कि ओकर सब कुछ तबाह हो जाए, समझ ली? चल निकल यहां से, निकल यहां से। कभी अम्मा बापूजी, अब तो हर बेटी अत्याचारी के चंगुल से आजाद हो गई बिया। कुंदन नाम के मसीहा हमरा के बदनसीबी के चंगुल से मुक्त करा दिले बा। हमार ओकरा से बियाह होके जाता, हम फिर से दुल्हन बनम बाबूजी। आज अगर आप लोग भी रहती तो। दीदी दिल छोटा ना करा, जॉन चल गई वो वापस ना सकेला, हम पानी ना तोहर विदाई हम करब, हम तोहर छोटा भाई। अम्मा बाबूजी के आत्मा के खुशी मिली। हाँ दीदी। ऐसे का देखा तारा? देखा तानी वो सपना की जौन कल तक हमरे आंख में रहे, आज हकीकत बन के सामने खड़ा बा। सपना तो हमार सच भइल बा कुंदन,
मंदिर में जौन दिन तू हमरा से ब्याह की बात कहला ओहे दिन हम तोहार हो गए नी। तब हमके तनिको यकीन ना रहल कि एक दिन हमार बदनसीबी हार जाई और हमार कुंदन हमके मिल जाए। ओह दिन मंदिर में तू जौन हमसे सवाल कहले रहलू कि तू हमरा बारे में सब कुछ जानला के बाद भी ब्याह करब, तो आज हमार जवाब सुनला। कुंदन हमेशा तुहार रही। कबो कबो डर लागेला फिर से हमार खुशी पे कौनो काला साया ना पड़ जाए। हम हर साया के मिटा दे, बस तुहार साथ चाहिए। तोहार जैसे भोर के किरनिया अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया। चमकता रानी रूप धूप में गजबे खूब चमकता रानी। अखिया न ठहरे लझनबल ऐसन बन जवानी। रूप धूप में गजबे खूब चमकता रानी। सोना के पानी चढ़ल बा लागे सुनहरा बदनिया। लागे लुए जान तू ता परियन के रनिया। सोना के पानी चढ़ल बा लागे सुनहरा बदनिया। लागे लुए जान तू ता परियन के रनिया। लागता यही सम कि हम सपना में बनी। रूप धूप में गजबे खूब चमकता रानी। बदन पर तजाली बिछल हो
का लगे तोहरा सोझा ताजी महल हो बैठे दुली बदन पर तजाली बिछल हो का लगे तोहरा सोझा ताजी महल हो बचपन में सुनल लगेलू कहानी रूप धूप में गजबे खूब चमकता रानी रूप धूप में गजबे खूब चमकता रानी बाबूजी बहुत बढ़िया अम्मा चाची जी सदा सुहागन रह अरे हमार बिटिया दामाद जी नहीं आईले वो कामे से बाहर गए बारन आ जाइए हम भी आए तक चल 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 अंदर चल सब ठीक हो ना चाचा जी राधा बिटिया राधा गोर लगा तेरे चाचा जी भैया भैया तब करियावा के साथ ही खुश बाड़े ना तू ना भैया कबो ना सुधरबा हिनकरा के तो नंदनी भाभी ही सुधार सकेली हम बहुत खुश पानी भैया कि नंदनी हमर भाभी बने वाला बाड़ी ए, नंदनी के नाम से ना भौजी कह के बुला ओहो अब ये सही हाल बा बाद में लागा था कि लागा था कुछ ना क्या लागा था बताओ बताओ राधा ई है कि भैया अब भौजी के कपड़ा धोयन और गोर लगाइना रुक फिर शुरू हो गेल ई दिनों के कुंदन भैया हम तो नंदनी भाभी के शॉपिंग अपने पसंद से करब देख हम तो के अपने साथे लेके ना जाए कुंदन बेटा तू राधा बिटिया से ना जीत पइबा जब नंदनी आ जाई नू तो ननद भौजाई के ताकत दुगना हो जाई ब्याह के बाद फौजी फौजी के ही चक्कर काटत रहियन पूछा तनी एके बुलावल हकी अरे बेटा शादी के शॉपिंग खातिर के चाही नू उ हम कर ले हमके तो ले जाए के पड़ी कोनो जरूरत नहीं के अरे बेटा पूरा बाजार नेखे खरीदे के लेकिन ब्याह के खरीदारी बा के उ समझदार आदमी तो चाही नू अरे तो समझदार आदमी भेजा पापा अच्छा ठीक हम तोनी भाई बहन के नोक झोक में नेखी पड़े वीरेंद्र भैया तू अपना मेहरारू के इनका साथे लेके जा तनी राधा के भी मदद हो जी भैया का ये भी जाए राधा नहीं समझदार राधा का भैया चाचा चला हमने के चले जाओ चलिए चलिए चल और तन सामान के मोल भाव ठीक से कर लियो आ संभाल के जइयो लगिन गाड़ी ठीक से चलइयो ठीक है बाबूजी हां ठीक तन सो कह रहे आ जइयो भैया जल्दी आ जाइए हां हां अरे नंदनी बिटिया अरे मां जी हम सुनिया की राधा आइल बड़ी कहां बड़ी आवे में देर कह दिलु हा अच्छा अभी अभी बाजारे गइल बिया आ जाई चला, चला अंदर चला अच्छा ठीक बा किशन देवराज ना बात और लोना आज उकड़ा के बताएं के देवराज कहाँ है पूरा गांव के पता चल चुकल बा कि देवराज अपना आदमी और हथियार के बल पर दिखावा के मर्द बनेला किशन लगता तोरा जिंदगी से प्यार नहीं खे समय से पहले अपन मौत मत बुला समझ ले
नेवला। जी भैया। पूरे घर में ढूंढो पिला के, मिलते ही गोली मार दे उखड़ा के। हाँ भैया। जाओ। देवराज। अंजाम बहुत बुरा हुई। भैया, पूरा घर चार मार ली, कुंदन ना मिलल, लेकिन लल्ला की विधवा मिलल यहाँ। कोनो बात नहीं, आपन महबूबा के बचावे खातिर वो पिल्ला जरूर आई। ले चले के, छोड़ दो के। नंदनी के छोड़ दे, न तो हमारे बेटा तो मौत का कारण बनी। इतना सुना सुना कहे लागत है? हमरो का यह लागत है भैया, सब गांव वाले कहाँ चल गए लन? हाँ कुंदन, सब लोग कहाँ चल गए? भैया गाड़ी रोको। भैया
बाबूजी उठना बाबूजी बाबूजी हमके पता बा हमार माई बाप मर गई ले चाचा भर्ती के तैयारी करो जल्दी कर कर से ये हथियार में जंग लगा था। अब आर या पार, अब पूरा गांव जवार में ठाकुर देवराज सिंह की हवेली रही या पूरा गांव जवार। ले अपना अपना हथियार उठा लाओ। कुंदन अपने माई बाप के लाश जलाओ चल के लिए भैया, हमरा के तो लागत है वो भाग जाए, लागत है डरा गेलू। अगर शेर दो कदम पीछे हटेला एकरा में ओकर कमजोरी ना होइला बेकूफ, वो पूरा तैयारी से वार करेला। वो फौजी शेर है और अब ज्यादा घातक भी। भैया हमरा तो लागत है कि वो हार मान चुकल बा। फौजी है आखिरी सांस तक हार नहीं मानेला नेवला, समझ ले, पूरी तैयारी करा। जी भैया। करा कि हमार लल्ला की आत्मा को शांति मिले, तो हर बाकी के विधवा के जिंदगी वो का टुकड़ा चुना चुहत बीत जाए, समझ ली।
नेवला देख, ये अपने आप के फौजी कहत रहे, सीमा पे लड़े वाले जवान, देवराज की हवेली की दहलीज भी नहीं पार कर पाइला, प्यार के चक्कर में बिचारा अनाथ पहले हो गई रहे और अब खुद ब खुद आग में जलकर राख हो गई। अब ये सारे गांव जवार में हमरे सामने फिर से कोई सिर न उठा पाई, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं।
विजय दोस्त तक हमारे साथ रहे अब रात से वादा करा कि गांव वाला के आजाद करा के रहिया तो हर शादी में याद विजय निकला देखिए अपने साथ रखा और तू निकला यहां से देखा समझ लीस कि हम जल के खाक हो गए नहीं हमके बेवकूफ बनौलस अब ना छोड़ मिखला आज तो तोरा अंत बा फौजी अपने माई के हर चीख के एहसास कराई तो ना करे देवराज बुराई के अंत बुराई से ही होगा।
हम कितना बार समझौले रहनी, लेकिन रउआ ना समझनी। तक बनाने वाला तू लोग बड़ा जा। राक्षस से ज्यादा तोहनी के कायरता जिम्मेदार बा। अगर तोहनी में एकता और हिम्मत रहित ना ही कोनो देवराज पैदा होइत, ना कोनो कुंदन अनाथ होइत, और ना ही कोनो फौजी नहीं कोनो घातक घातक घातक। आपका संभाला कुंदन भैया। उठा बेटा, अपने आपका संभाला बेटा। कुंदन, आजादी के 70 साल बाद सही मायने में तोहरा वजह से हमनी के गांव आज आजाद भइल बा। तोहरा के सलूट करेगा मन। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।